सेल्स है उसके अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई है ऐसे नीचे को, भाई ये कहीं नुकसान तो नहीं शुरू हो गया है? जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो गिरावट है कहीं किसी गाड़ी का इम्पैक्ट तो नहीं वो ऐसे होना शुरू हो गया 2 महीनों से, ये कहीं ग्राफ ऐसे नीचे ना जाता जाए? Hey, what's up, lovely people? This is Joel. Welcome back to the channel, everyone. I hope you're doing absolutely fine. So, दोस्तों, आज मैं आपको एक रॉयल एनफील्ड की धमाकेदार खबर देने लगा हूँ. वो ये है कि सेल्स में ड्रॉप. हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की सेल्स में ड्रॉप आना शुरू हो गया है. ये सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देने से पहले दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जेडी व्लॉग्स दिल्ली. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है उसके अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई है ऐसे नीचे को, डाउनफॉल आना शुरू हो गया है ये दिसंबर के ही महीने में. एंड ये गिरावट दोस्तों जो है वो 13% की आई है, 13% ड्रॉप इन 2018 अगर कंपेयर करें 2017 दिसंबर के मुकाबले. सो ये चीज़ जो है मेरे को लग रहा है कि भाई ये कहीं नुकसान तो नहीं शुरू हो गया है, क्योंकि नवंबर के महीने में भी, नवंबर 2018 में भी रॉयल एनफील्ड की सेल्स में 4% का ड्रॉप आया था. तो मतलब रॉयल एनफील्ड जो है 2018 पूरा साल महीना दर महीना इन्होंने इतनी सेल्स में इंक्रीज़ आया था और बहुत ही ज़बरदस्त बिक्री हुई थी गाड़ियों की 2018 में. पूरा 10 महीने इन्होंने तबाही मचाई हुई थी, बट लास्ट के 2 महीने ड्रॉप आया है. अब ये नहीं समझ आ रहा है क्या. सो आपको मंथ वाइज मंथ मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ कि गाड़ियाँ दोस्तों कितनी बिकी हैं. सो दोस्तों, दिसंबर महीने में रॉयल एनफील्ड की कितनी बिक्री हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देता हूँ 2018 में एज़ कंपैरेटिवली टू 2017. सो दोस्तों, टोटल जो सेल्स रॉयल एनफील्ड की हुई है नवंबर के महीने में इंक्लूडिंग योर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स इज़ 58,278 यूनिट्स. सो दोस्तों, दिसंबर 2017 में जो ये आंकड़ा था ये था 66,968 यूनिट का. सो दोस्तों, अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि डोमेस्टिक सेल्स में क्या ड्रॉप हुआ है या एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप हुआ क्या चीज़ है, ये अब आपको मैं बताता हूँ. सो दोस्तों, दिसंबर 2018 में जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो 14% गिरावट में आई हैं, जिसकी काउंट है 56,026 यूनिट का. और यही जो आंकड़ा दिसंबर 2017 में था ये था 65,367 गाड़ियों का, बाइक्स का, जो ये बिकी थी डोमेस्टिक मार्केट में. सो मतलब मीन्स आप कंपैरिजन देख लीजिए कितना कंपैरिजन होना शुरू हो गया है. अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो दोस्तों एक्सपोर्ट्स जो है बाइक्स का वो बड़ा है. हाँ दोस्तों, 41% जो एक्सपोर्ट्स हैं गाड़ी के वो बड़े हैं. 1,601 यूनिट दिसंबर 2017 में एक्सपोर्ट हुए थे और 2018 में 2,252 यूनिट बाइक्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हुई हैं. सो मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा है, डोमेस्टिक मार्केट गिरी है उल्टी. तो मतलब क्या कहें. अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे बड़ी मार्जिन वाली गाड़ी जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं रॉयल एनफील्ड की, वो है 350 सेगमेंट की गाड़ियाँ. दोस्तों दिसंबर में उसमें 15% की ड्रॉप आई है. हाँ, उस यूनिट उस सेगमेंट में 15% का ड्रॉप आया है. मगर हाँ दोस्तों, जो 500 सीसी का सेगमेंट है जिसमें हम हिमालयन भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो उस सेगमेंट के अंदर 21% की इंक्रीज़ हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है. बट 350 की सेगमेंट में गाड़ियों की गिरावट देखी गई है दिसंबर 2018 में. तो दोस्तों, नवंबर 2018 में सेल्स जो हैं 4% गिरावट में आई हैं. तो अगर कंपैरिजन करें तो टोटल 65,026 यूनिट या बाइक्स बिकी थी नवंबर 2018 में, और यही जो आंकड़ा है नवंबर 2017 में ये था 67,776 यूनिट या बाइक्स, मतलब 67,776 बाइक्स बिकी थी. सो दोस्तों, अगर हम यही देखें कि रॉयल एनफील्ड में 2 महीने के अंदर गिरावट देखी गई है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो गिरावट है
कहीं किसी गाड़ी का इम्पैक्ट तो नहीं। हाँ दोस्तों, साफ बोलता हूँ कि जब से जावा लॉन्च हुई है 15 नवंबर को, तो गाड़ियों की सेल्स में गिरावट आनी शुरू हुई है। कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हुआ ही है। रॉयल इनफील्ड को ये चीज़ सोच लेनी चाहिए और अपनी गाड़ियों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ, क्योंकि दोस्तों उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं। रॉयल एनफील्ड को बहुत सारा कुछ होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज़ ये होगा कि अब ऐसे होना शुरू हो गया 2 महीनों से, ये कहीं ग्राफ ऐसे नीचे ना जाता जाए, ड्रॉप ना होनी शुरू हो जाए सेल्स के अंदर। साफ बोल रहा हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है, जहाँ पे मैंने आपको रॉयल इनफील्ड की सेल्स जो हैं इसके अंदर ड्रॉप आना शुरू हो गया है, ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी फैमिली जेडी ब्लॉग्स दिल्ली के लिए दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए है जो डुग डुग से प्यार करते हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स में ड्रॉप क्यों आना शुरू हुआ है, और रॉयल एनफील्ड की अब एज अ कंपनी को बहुत सारा होमवर्क शुरू कर देना चाहिए गाड़ी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए, छोटी से छोटी चीजें। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जाने से पहले आप दोस्तों से और मेरी जो फैमिली जेडी व्लॉग्स दिल्ली से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जेडी व्लॉग्स दिल्ली। जो लाल बटन है उसको दबाइए और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें मेरे वीडियोज़ की जो मैं डालता हूँ। डोंट मिस एनी वीडियो दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप सब भाइयों के लिए आती है। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मिलते हैं दोस्तों जल्द एक नए वीडियो के साथ। God bless you all guys. Keep loving and supporting me. Take care. Bye-bye.